पाकिस्तान में तो एकदम जब भी कुछ होता है ना कि इंडिया से मिसाइल की बात होती है, ड्रोन की बात होती है, हम कहते हैं ओ मिसाइल हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बहुत ज्यादा इस चीज को हाइप दी जाती है पाकिस्तान में भी, और यूएस भी बड़ा वो कवर कर रहा होता है कि भाई इंडिया में क्या हो रहा है, दूर से दूर 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 से दूर, यूएस को इसके बारे में ज्यादा होता है, सब चीज होती है, यूएस की तो पूरी वो चल रही है, सैटेलाइट चल रही है, यूएस का सब पता है क्या हो रहा है भाई। सर प्रशांत धवन की ये वीडियो आई है जिसका नाम है इंडिया शॉक्ड द वर्ल्ड विद 6000 किलोमीटर अग्नि मिसाइल टेस्ट। तो अब ये देखते हैं कि ये अग्नि मिसाइल 6000 किलोमीटर अब ये देखते हैं कि ये अग्नि मिसाइल टेस्ट कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, और इंडिया ने इतना शॉक क्यों कर दिया है वर्ल्ड को। लेट्स वॉच ये वाली जो लाइन है ना, इंडिया शॉक द वर्ल्ड, ये हर दूसरे दिन इंडिया दुनिया को शॉक करता रहता है ना? कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अब सबसे ज्यादा जो शॉक हुए हैं वो जापान और जर्मनी हुए हैं, उनसे तीसरी और चौथी पोजीशन छीनने वाली है जापान। जो कहता था ना कि हम पहले 2050 में रहते हैं, इसका मतलब है फिर इंडिया जो है वो जो है उससे 50 साल आगे निकल जाएगा। अभी अभी तो लेकिन अभी चल रहा है, अभी इतना ज्यादा वो नहीं हुआ है, लेकिन टाइम लगता है, टाइम लगता है, ये 6 महीने सालों की बात नहीं होती, ये एक विजन और बड़े विजन की बात होती है। तो देखते हैं कि नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नहीं, वेलकम यू स्टडी आईक्यू। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट सामने आई है, इंडिया ने 6000 किलोमीटर की रेंज वाले अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट किया है MIRV टेक्नोलॉजी के साथ। ये मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है, दुनिया में बहुत कम देश है जो MIRV टेक्नोलॉजी के साथ मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है कि वी आर प्राउड ऑफ DRDO, और कैबिनेट के सारे मिनिस्टर्स आज के समय लगातार इस पर ट्वीट कर रहे हैं कि DRDO ने देश को प्राउड होने का मौका दिया है, मिशन दिव्यास्त्र सक्सेसफुल साबित हुआ। नाउ यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अच्छा मिशन दिव्यास्त्र ये तो हो गया सक्सेसफुल, 6000 किलोमीटर की रेंज वाला अग्नि 5 मिसाइल, मगर ये MIRV है क्या, और ये क्यों कहा जा रहा है कि दुनिया में सिर्फ चुनिंदा कंट्रीज हैं जैसे कि USA, रशिया, चाइना, UK, फ्रांस जिनके पास ये मिसाइल टेक्नोलॉजी है, और अब इंडिया का भी नाम यहाँ पे ऐड हो चुका है। MIRV किस तरीके से पूरा पावर बैलेंस चेंज कर देता है ये समझते हैं। नाउ एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए कि ये जो धरती है ना ये दुश्मन देश की है और आपको यहाँ पे अटैक करना है। नाउ ये अटैक आप कैसे करोगे, आपके माइंड में आएगा मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल हम यहाँ पे मार सकते हैं, या फिर वेरियस सॉर्ट आपके हमारे पास मिसाइल्स हैं, निर्भय मिसाइल है, वेरियस मिसाइल्स हैं, उनसे हम स्ट्राइक कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी दुश्मन देश का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दुश्मन यहाँ पर रेडार्स और वेरियस मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेकर बैठा है। आप एक साइड से ब्रह्मोस मारोगे या फिर कोई और मिसाइल लॉन्च करोगे, यहाँ से इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और आपके मिसाइल को ये हवा में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, किस तरीके से आप इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दोगे। इंटरेस्टिंगली ये क्वेश्चन पाकिस्तान के सामने आ गया था साल 2017, पाकिस्तान का तो फिर बीच में आना ही आना है, क्योंकि 2017 तक भारत का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये काफी हद तक आगे बढ़ चुका था। भारत के पास इतने मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे और साथ ही साथ हमने S-400 को ऑर्डर करने का भी विचार बना लिया था। पाकिस्तान को यहाँ पर पता था कि कुछ ना कुछ इन्हें नया करना होगा, और इसलिए उस टाइम पाकिस्तान ने क्लेम किया, अगेन मुझे पता नहीं कि ये मिसाइल जेन्युइनली काम करता है या फिर इन्होंने बस ये बात बोल दी थी, मगर 2017 में पाकिस्तान ने क्लेम किया कि इन्होंने अब्दील नाम का एक MIRV मिसाइल टेस्ट किया है। और पाकिस्तान का क्लेम ये था कि ये मिसाइल भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को तोड़कर इंडिया को डैमेज कर सकता है। नाउ अब यहां पे आप कहोगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को ये किस तरीके से तोड़ेगा। देखिए MIRV में क्या होता है कि मिसाइल के अंदर आप छोटे छोटे वॉरहेड्स डाल देते हैं और वो वॉरहेड्स बिखर जाते हैं दुश्मन की धरती के ऊपर, जिससे मिसाइल डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि जहां वो सिर्फ एक मिसाइल को कर रहा था टारगेट, अब उस मिसाइल से खूब सारे वॉरहेड निकलकर हर जगह गिर रहे हैं। आप किस वॉरहेड को रोकोगे, किस वॉरहेड को नहीं रोकोगे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऐसे केस में फेल कर सकता है, और यही है MIRV टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि अब्दील नाम का जो ये इनका मिसाइल है ये सब कर सकता है, ऑल्दो इंटरनेशनल कम्युनिटी अब्दील मिसाइल को इतना ज़रा सीरियसली लेती नहीं है, मगर इंडिया का जो टेस्ट है MIRV टेस्ट
इसे इंटरनेशनली भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। नाउ इस एक्सप्लेनेशन से आप इतना तो समझ गए होंगे कि MIRV इसको क्यों कहा जाता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। ये एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को, इवन S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को काफी हद तक यूटिलाइज कर सकता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है कि आप कितने प्रिसिशन से और कितनी ज्यादा स्पीड से हिट करते हैं। अग्नि 5 के साथ अगर हमने ये कैपेबिलिटी ऐड कर दी है तो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान को लेकर मुझे लगता नहीं है कि हमने ये डेवलप किया भी है MIRV। ये MIRV मिसाइल एक डायरेक्ट मैसेज है टुवर्ड्स चाइना। चाइना के इशू को लेकर रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया ने 10,000 सोल्जर्स और फ्री कर दिए हैं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉयड होंगे। इस चीज को लेकर चाइना खुश नहीं था। यहाँ पर आप देख पाओगे उससे रिलेटेड आर्टिकल, वर्ल्ड मीडिया ने भी इसको एक्सटेंसिवली कवर किया था कि इंडिया एडिशनल 10,000 सोल्जर्स भेजेगा टू द बॉर्डर विद चाइना, और चाइना ने इसके रिस्पॉन्स में ये कहा था कि ये जो स्टेप है इससे स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इससे पीस सेफगार्ड नहीं होगा। नाउ इसके बाद ही इंडिया ने जो MIRV टेस्ट किया है ना, ये डायरेक्ट एक चुनौती है चाइना को कि आपके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं इंक्लूडिंग S-400 जो आपको पता होगा चाइना के पास भी है, ये इतना आपके काम आएगा नहीं जब हम MIRV से आपको हिट करेंगे। और इंडिया ने इस बार ऐसा नहीं है कि जो रेंज है मिसाइल की ये कम बताई है, रेंज जो बताई जा रही है मीडिया में ये 6,000 किलोमीटर रिपोर्ट की जा रही है। मतलब कि अब इंडिया ओपन दुनिया को भी कह रहा है कि इंडिया के पास लॉन्ग इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज वाले मिसाइल्स हैं जो MRIV टेक्नोलॉजी के साथ भी हिट कर सकते हैं। इन मिसाइल से आप बच नहीं पाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या चाइना को हिट करने के लिए इंडिया को 5,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज का मिसाइल चाहिए था, तो इसका आंसर है कुछ हद तक हाँ। अगर हम मान के चलते हैं कि इंडिया लॉन्च करता है एक मिसाइल फ्रॉम राजस्थान, तो उस केस में टू मेक श्योर हमारा टारगेट बिल्कुल सटीक हो, हमें 5,500 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल चाहिए होगा। या अगर 6,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल है तो चाइना का हर कोना, लिटरली हर कोना इंडिया प्रिसाइसली हिट कर सकता है। ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि सिचुएशन इतनी खराब हो कल को इसको यूज भी करना पड़े, मगर ये एक प्रॉपर डेटरेंट है चाइना के लिए कि कल को अगर ये अग्रेशन करते हैं तो उसका प्रॉपर जवाब इनके बड़े शहरों को मिलेगा। और हाँ, कई लोग वैसे यही पूछ रहे थे कि ये जो मिसाइल टेस्ट किया गया है क्या ये सबमरीन से किया है, किस तरीके से मिसाइल टेस्ट किया है। तो इसके बारे में PIB ने जानकारी दी है कि ये टेस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है ओडिशा में, वहीं से ही कंडक्ट किया गया है। तो कोई सबमरीन हमने नहीं लॉन्च करी इसके लिए, जो ये आइलैंड है जहां से वैसे भी हम ज्यादातर अपने जो मिसाइल्स हैं लॉन्च करते हैं, यहां से ये मिसाइल लॉन्च किया गया। और उसके बाद इसने अपने जो भी टारगेट्स थे इनको प्रॉपरली हिट किया है MIRV टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है इंडिया के लिए। इससे रिलेटेड इन द फ्यूचर और डेवलपमेंट्स आएंगी तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। For the time being, this is the end of this video. Thank you for listening. And as I always say, may the gods watch over you. जी मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना भी बहुत वो हुआ हुआ है कि अच्छा अब ध्यान से रहना पड़ेगा। और रिसेंटली चाइना ही हुआ हुआ है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं इनकी। और उसके साथ जो है वो एक जो बात उन्होंने की ना प्रशांत बंसल ने, कि ये चीज जो है वो हमें ऐसी सिचुएशन ना फेस करनी पड़े कि इस चीज को यूज करना पड़े, यही हर कोई चाहेगा, यही हम चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन कहीं पे भी ना बने। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि ये चीजें होने से इंसान का डिफेंस स्ट्रांग रहता है और वो इन चीजों से बच जाता है। कल जब हम देख रहे थे डॉक्टर APJ तो उनकी भी यही थी ना, उनकी हाँ। भी यही लाइन थी कि हम इसलिए नहीं करते कि हम यूज कर देंगे, लेकिन हमारा डिफेंस होना चाहिए, हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम अगले को डरा सके, इससे ही जो है ना वो बचा रहता है, वॉर से बचा रहता है। आपको क्या लगा? अच्छा जैसे कि एक तो ना ये जो मिसाइल वाला ये सारा बताया हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान का भी बीच में वो लेकर आया है ना कि पाकिस्तान का भी एक मिसाइल है, उन्होंने भी बनाया हुआ है, और वो अपेरेंटली कह रहे हैं कि हमारा ये जो है हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये किसी के रडार में नहीं आएगा, पता नहीं ये आपके वो सिस्टम जो है वो उसको क्रैक कर लेगा, पता नहीं क्या। लेकिन US इसको कोई भाव नहीं डाल रहा है जो पाकिस्तान ने मिसाइल बनाया है, तो हाँ, हम क्या इनको डाल, हाँ, हाँ, वो उसको बड़ा, लेकिन इस वाले को बहुत ज्यादा इंटरनेशनली बहुत ज्यादा हाइप मिल रही है, जो अग्नि मिसाइल है इसको बहुत ज्यादा हाइप मिल रही है। तो एक ये हो जाता है, एक ये नैरेटिव होता है कि पाकिस्तानी एक अपनी चीज बनाई है और खुद ही वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि हमने बहुत अच्छी चीज बना ली है, बहुत अच्छा मिसाइल बना लिया। ऑन द अदर हैंड जो उन्होंने बनाया है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कवर किया जा रहा है कि यार ये इन्होंने एक अग्नि मिसाइल बनाया है। तो ज्यादा जरूरी क्या है कि आप खुश रहो या फिर
सब आपको वो अप्रिशिएट करें। नहीं, जब आप कोई चीज बनाते हो ना और उस पे अगर इफ डिफरेंट कंट्रीज की ओपिनियंस आती हैं और वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी को जो है वो बड़ा देखा जाता है कि यार ये तो बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वो चीजें बहुत मैटर करती हैं कि जो चीज आप बना रहे हो वो उस पे अगले 10 लोग क्या कह रहे हैं, ये भी चीज जो मैटर करती है। और साथ ही अगर देखा जाए डिफेंस सिस्टम का, तो डिफेंस सिस्टम तो हर कंट्री ने अपना अपना बनाना ही होता है, और यहाँ पे जो है पाकिस्तान में भी इस तरह के जो है वो बनाए जाते हैं और उधर भी बनाए जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए ना, कि फिर वही बात आ जाती है कि किसी कंट्री को ऐसी सिचुएशन फेस ही ना करनी पड़े। अब ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब दुनिया बहुत पीस। लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ टेंशन बनती रहती हैं, लेकिन वो ये बच जाते हैं इन वजह से, वो कहते हैं कि उसके पास मिसाइल, इसके पास मिसाइल इतने जाने जाएंगे, छोड़ो टेबल टॉक। मतलब वो एक जगह अगर दो कंट्रीज में स्टार्ट होते ना तो वो पूरे वर्ल्ड को लेगा, ये नहीं हो सकता कि दो कंट्रीज में और खत्म हो जाए। जैसे रशिया और यूक्रेन का जब शुरू हुआ था तभी से वो हमारे कुछ भी इशू शुरू हुए थे, आपको भी याद होगा वहाँ पे जब हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी, रशिया और यूक्रेन का इशू था जिसकी वजह से जितने भी नेबर कंट्रीज थे उन्होंने बड़ा सफर किया है। और जब भी कहीं कोई, ये आपकी बात में जवेरिया बिल्कुल एग्री करूंगा, कि जहाँ पे भी एक तरह की ये सिचुएशन बन जाती है ना, उसमें फिर दुनिया जुड़ जाती है, क्योंकि अब ये है ही इस तरह का कि सारी दुनिया की उसके साथ जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। अब जी ये इसके लाइज हो गए, कुछ यूक्रेन साइड चले गए, कुछ रशिया साइड चले गए, लेकिन इंडिया की बात ये मुझे बड़ी पसंद आती है, और मैं चाहता हूँ कि ये वाली चीज जो है पाकिस्तान को भी अडॉप्ट करनी चाहिए अगर पाकिस्तान को अपनी तरक्की करनी है तो। और वो ये कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कभी भी इधर उधर नहीं करते, वो धड़े में नहीं जाते, वो उसको भी सपोर्ट कर लेंगे, उसको भी सपोर्ट कर लेंगे, नहीं करते वो बस। अब मेरी बात सुने आप, शायद आप लोगों को जैसे रशिया और यूक्रेन का चल रहा था ना, तो सबको ऐसा लग रहा था कि अच्छा ये जो इंडिया है ये रशिया की साइड पे है और यूक्रेन जो है वो है यूएस की साइड पे, किसी साइड पे भी नहीं जाते वो, साथ में ये कह रहे थे कि ये रुके और फिर दोनों के साथ भी बात कर रहे हैं, वो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ था। लेकिन जब रशिया ने कहा कि हम अटैक करेंगे यूक्रेन को, तो इंडिया ने ही उनको रोका कि आप अटैक नहीं करो, और उस चीज को बिल्कुल पैसिफाई करवा दिया। हाँ। तो वो जब भी जंग कहीं होना शुरू होती है ना, वो तो बीच वाला बीच में सेंटर में आके सुलह सफाई भी आगे चीजों को करते हैं, मतलब इतनी जो है वो फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग है, इतनी अपनी इम्पोर्टेंस उन्होंने बनाई हुई है दुनिया के ऊपर कि दुनिया सुनती है, ये रियलिटी है कि दुनिया सुनती भी है, देखती भी है और मानती भी है। बिल्कुल सही, जैसे अब चाइना के साथ भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, लद्दाख का मसला चल रहा है, पाकिस्तान के साथ। लेकिन चाइना और इंडिया की जवेरिया मुझे एक बात अच्छी लगती है, जितने भी इश्यूज चलते रहे ना, ट्रेडिंग चलती वो बिजनेस करते रहे, उनके बिजनेसमैन वो चाइना वाले अपने बिजनेसमैन को नहीं कहेंगे कि यार तू उधर क्यों जा रहा है या तू इधर क्यों कर रहा है, वो इससे क्या दोनों कंट्री की इकोनॉमी तो नहीं ना इफेक्ट होती, वो तो चलती रहती है। उनको भी पता है कि ये जो एरिया है, ये जो एक पूरा क्लब है जिसमें चाइना सारे आ जाते हैं, इन्होंने बैठ थोड़ी जाना, यूएस बैठा हुआ है वहाँ पे, तो ये आपस में थोड़ी बिगाड़ेंगे, आपस में तो अच्छी रखनी होती है, और नेबर्स के साथ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, वो भी मसले रिजॉल्व हो जाएंगे। खैर आप बताएं कि आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, और यानी कि आपको ये जो मिसाइल है अग्नि मिसाइल, इसके बारे में भाई हमें और ज्यादा डिटेल्स दें, और ज्यादा इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।